नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र दलाल, नरेंद्र फार्मिंग में आपका स्वागत है भाई। आज 20/9/2022 भिवानी हरियाणा अनाज मंडी में हाँ भाई। और भाई आपने बाजरे के बाद बतावांगे। और भाई आज है हड़ताल भाई, हड़ताल चल रही है। फिर भी भाई भिवानी मंडी में कुछ किसान भाई बाजरा भी ले रहे हैं, कपास भी ले रहे हैं और भाई गेहूँ भी ले रहे हैं। फिर बोली कौन लागे भाई, वैसे बेकन लाग रहे हैं भाई, माल भी थोड़ा ये है। तो भाई पहले आपने गेहूँ आए बा बतावांगे के बाबे क्या है, उसका पाँच छः बाजरा है बा बतावांगे। तो भाई ये किसान हैं, नमस्कार जी, थोड़ा नज़दीक लगा मुँह आगे जी। हाँ नमस्कार जी, नाम क्या है जी अपना? तो के ले आए थे आप गेहूँ के बाबे के? 2220 रुपये, ठीक। तो आज बोली तो कौन लाग रही, वैसे भी के हैं तो हैं, ठीक। तो के कारण है ये हड़ताल चल रही है, पता नहीं आपको? राम राम भाई। कौन ये भाई? ये गेहूँ है भाई 2220 रुपये बेके हैं, ये देख लो भाई। कोई बोली वाली तो लाग दी को नहीं, वैसे भाई कपास भी आ रही है भाई, कपास भी बेकेगी, उसके बाद भी बतावांगे आपने। और भाई बाजरा की और दिखा दें भाई, यो बाजरा बे क्या है। तो भाई बाजरा में थोड़ा मंदा चल रहा भाई, एक भाई इंदौर चल लाँगे, एक साइड वो गलन ला रहा भाई कट्टिया में, और एक यो गलन ला रहा भाई कट्टिया में। भाई थोड़ा हमार तो कमा रहा है मंडी में, हड़ताल है भाई। या बता दें आपने भाई के कारण हड़ताल के? हड़ताल के कारण है भाई के ये सरकार भाई किसान के खाते में सीधे पैसे डालना चाहवे है, आड़तिया ने भाई बीच में तक ख़त्म करना चाहवे है। इसका रोष प्रदर्शन में भाई हड़ताल चल रही है भाई, बता दें आपने। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। तो के नाम भाई साहब अपना? सुनील है भाई, लोहानी, गांव लोहानी। हाँ जी लोहानी। तो के ले रहे थे आप? बाजरा ले रहे हैं भाई साहब। के भाव है क्या? 1750 भी क्या भाई, ये तो डाउन आ गया भाई साहब। हाँ भाई, काल तो 30-40 समझो 1780 रुपये डाउन है। हाँ 1700-1820 भी क्या था। अच्छा आज डाउन है भाई साहब, ठीक है। तो फिर बोली वाली एक बहन तो बात कराएं भाई साहब एक मिनट, यो आज नू बताओ के कारण था भाई बोली को नहीं लाग दी? मंडिया की हड़ताल चल रही है, ये अपने दर्शकान समझा दे दाऊं तरीकत है भाई, क्या कारण था हड़ताल है भाई साहब? अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है मंडिया के बारे में, जो सरकार के मतलब मंडी जो चाव हुआ सरकार मान नहीं रही, तो इस चक्कर में ये मांग है। मांग तो घनी है नहीं, फिर भी कुल मिला की ये भाई नु सुन माई दिखे भाई आड़ती खत्म, आड़तियान खत्म करना चाहवे है भाई, बीच मंडिया खत्म करे चाह सरकार। अरे यो हो नहीं सकता, जमींदार का और आड़ती का भाई बहुत तगड़ा, मतलब जो सोच ले दादा हड़ा ही मिलन हो जो तू सोच ली, रात ने जमींदार ने जरूरत पड़ जा, सरकार तो सुत्ती पाव है। हाँ। उसका आड़ती समाधान करे है, सही बात, एक घंटी मार देगा लाला जी मैंने 2000 रुपये जरूरत है, तो सरकार नहीं सुनेगी, सरकार तो इतनी फर्ज उठा लिया, जमा करवार बैंक में रुपये ले, तो सरकार सीधे किसान खाता में पैसे गिरने की कवा है। सरकार नु को है इन्ना बिचौलिया ने खत्म करांगे, और सरकार नु चाहो तो इन किसाना ने किमें बेरा नहीं हो, मतलब सरकार नु सोचा हम करा जागरूक किसाना ने, जो भी आड़ती है वो किसान को जागरूक करता भाई साहब। फिर माल ले, माल खरीदनी है बाहर का होगा, उसकी क्या तसल्ली है भाई, वो लेगी बाज गया या और कुछ हो गया, तसल्ली तो है भाई, ये दुकान तो है इनकी। एक बात बात समझिए, ये भी वो सारे जमींदार आज तक का रिकॉर्ड है, मतलब जमींदार ने हर दुकानदार का बेरा है, हर दुकानदार का माल गिर दे, माल गिर दे उसका महीना में ले जा पीछा, कैश भी ले जाए, लाला जी धर ले अगली फसल में ले लूँगा। हाँ सही बात है, उसका रुपया जमा रहे है। हाँ। और ये सरकार का गिल के चक्कर, सरकार का के मतलब, सरकार क्या चीज़ है? सरकार है, सही बात है, सरकार जीरो है जी, कोई सरकार का क्या मतलब है? सरकार का मतलब ये है, मतलब हम शुरू से ये देखते आ रहे हैं, जब से मैं छोटा था और अब तक ये देखता आ रहा हूँ कि भाई जमींदार और जो आड़ती का कनेक्शन है वो घर जैसा है। सही बात है, मेरी बात समझो, रात को भी जमींदार को 5000 की जरूरत पड़ जाती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई आड़ती के पास फोन करेगा लाला जी मैंने 5000 की, आ जा भाई ले जा। सरकार ये चाह रही है ये जमींदार और ये आड़तिया का रोड़ा हो जा, ठीक, और सरकार बीच में फायदा उठा जा। हाँ फायदा उठा जा, और आऊँगे मन मर्जी के भाई हम अपना माल खरीद के ले जाएंगे।
तो एक बात बताओ, बाजरा तो आज मंदा चल रहा है, क्या बात है? बाजरा भाई यो सरकार ने बीज बो रखा है 400 रुपया MSP, कोई डिक्लेयर कोई मतलब पत्र आवे है, सरकार के करना चाहो से हम समझ में नहीं आ रहे। तो बाजरा आज के भाव में क्या है? बाजरा का भाव 1740-50 का भाव है, 1740। और गेहूँ का? गेहूँ का भाव 2200-2210 रुपये। 2200। कपास भी मैं आपको नरेंद्र भाई पहले भी मैंने आपको बताया था, 2 वीडियो 3 वीडियो में मैंने आपसे बातें करी थी। सही बात है भाई। मैं जमींदार भाई को ये कह रहा था, मैं कहा भाई जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कपास फुल मात्रा में कपास मंडिया में ला के हो। उस टाइम कपास के भाव चल रहे थे 10,100-200। आज का भाव, करंट का भाव है 8500 रुपये। 85 को मंदा आ गया तो फिर तो 9000। तभी कल नरेंद्र भाई कल आपके कह रहे कपास का भाव है, तो कपास का भाव जो आप तेज ऊपर ऊपर का भाव कपास का मत बताया करो, जो नहीं, नीचे का ही बताऊं मैं। कपास का जो भाव होता है जो आप बताते हो गांव में, ऊपर ऊपर का भाव बताया करो जी। नहीं मैं तो ये नीचे से लेकर के ये बतावा है, नहीं बताया करो जी, ये बतावा है, ऊपर का नहीं, तीन ऊपर ऊपर का भाव बताते हो? नहीं 200-300 नीचे ही बताऊं मैं जी, सब भाव बताया। मान ले 95 है ना भाई साहब, तो मैंने को 9000 तक लेगी 95 का कह है। खुद बाजरा का भी एक रेट नहीं बताता मैं, खुद देखिए वीडियो जी आपके ऊपर ऊपर का भाव नहीं, कोई नहीं वो मनु का दियो भाई, ऊपर तो ऊपर का भाव, मैं तो लाइव बोली के रहूं, लाइव बोली के की ऊपर का भाव बता दियो बोली पर। तो आज का भाव है वो है 8500-8700 का भाव है, वो बढ़िया है जी। हां हाँ, तो वो है मंदा फिलहाल, उससे तरीका था मैं बिनोले खल मंदा चल रहा है। अच्छा ठीक, बाजरा फिलहाल मंदा चल रहा है ठीक। और सरसों का क्या भाव चल रहा है आज का? सरसों का भाव है नीचे 5500 रुपया, ऊपर में 5800 रुपया। अच्छा मेरी का भाव है जी 5500-5800 रुपये। बड़े भाई बात में चलते हैं। यो भाई देखियो मेरा नरेंद्र भाई है, ये ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करो भाई, यो किसान भाई है ना बहुत जागरूक करे, यो पूरी मेहनत लग रहा है भाई। यो अपना चारा मंडी में भी जा है, सब्जी मंडी में भाई कई बार मिला है, चारा मंडी में मिला है भाई। यो अपना नरेंद्र भाई देख, अपना तो देख सारे भाई है, लेकिन यो भाई पूरी मेहनत कर रहा है, दिन में नहीं देखा, शाम नहीं देखा, दोपहर नहीं देखा, मतलब भाई ने ज़्यादा ज़्यादा फॉलो करो और सब्सक्राइब बढ़ाओ भाई, भाई की और इस भाई की मदद करो, ये फुल जी जानता है मेहनत कर रहा है भाई। चलो भाई जमींदार भाई ना खूब मतलब जानकारी देने का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मतलब जमींदार भाई ना खूब भाई वो करने लग रहा है, बढ़िया सलाह दे भाई, किसी भाई ने गलत लग गए तो इसकी सलाह बिल्कुल भाई वो मूर्ख है, हम तो नरेंद्र भाई वर्गा भाई नहीं भाई रही, अयो भाई सलाह भी बढ़िया दे है, सारी मंडी भाई की बोली भी दे गेरा, दादरी मंडी में भी जा है, कड़कड़े मंडिया में जा हो, मतलब ये भाई ना किमे कौन मिलना, अरे भाई ना खाली मिलनी है भाईचारा। चलो चलो भाई, भाईचारा ले रहेगा भाई भाई ना। आपका धन्यवाद भाई साहब।